मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पर्यटन कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में पर्यटन नीति 2016 का अनुमोदन किया गया है। इसमें कई बिंदुओं पर विचार हुआ है। इस नीति के तहत अब निवेशकों को पूरे प्रदेश में पर्यटन परियोजना की स्थापना पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें 15% अनुदान का प्रावधान किया गया है। वहीं निवेशकों को शहरी क्षेत्र में 10 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले हमारी जो पर्यटन नीति थी वो 2010 और यथा संशोधित 2014, लेकिन इसमें प्रासंगिक बिंदु जो है वो नवीन नीति के में यथावत रखे गए हैं। लगभग पहले जो कैटेगरीज थी उसको बढ़ाया गया, 18 कैटेगरीज को शामिल किया गया है। पहले स्पेशल टूरिज्म क्षेत्र को ही डिफाइन किया गया था कि यहाँ यहाँ टूरिज्म में फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में कोई भी निवेशक जहाँ भी चाहे अपना निवेश कर सकता है, वहाँ पर उसको वो फैसिलिटी मिलेगी जो पर्यटन नीति में हम लोगों ने आज कैबिनेट में डिस्कस किया। जहाँ तक लैंड का सवाल है, उसमें शहरी क्षेत्र में 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राइस होगी और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होगी, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोसीजर होगा वो बिडिंग के हिसाब से होगा। मान लीजिए कोई होटल या हेरिटेज या कोई अपना यूनिट वहाँ लगाना चाहता है तो उसके अंतर्गत रिजर्व प्राइस पहले जो थी वो 50% रिजर्व प्राइस का प्रावधान था, लेकिन अब जो है वो 10 लाख शहरी क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए प्रति हेक्टर और 5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में। अभी तक पर्यटन विभाग की तरफ से कोई वाटर बॉडीज के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता था। अब वाटर बॉडीज में अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरह का पर्यटन लाना चाहते हैं, जैसे क्रूज है या बोट है या अन्य गतिविधियां अगर लाना चाहेंगे तो उसमें एक लाइसेंस देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके लिए पर्यटन विभाग लाइसेंस देगा। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरा